वंदे मातरम, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि सब मस्त मज़े में होंगे। और हमारा फोर्थ चैप्टर और थर्ड चैप्टर और जो अन्य चैप्टर्स हमने फिनिश किए वो आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो हम बोलोगे मैम आप पढ़ाई की बात करते हो, तो सही है ना, अगर आप अच्छे से इनको रिवाइज करोगे तो जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल हमारे सब्जेक्ट्स हैं। एनवायरनमेंट इस बार बहुत ज़्यादा इजी आया है, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल बातें हैं वही आपके कोर्स में है बच्चों। जैसे हम लेंगे, पहले हमने जो लिया, कौन सा लिया था चैप्टर हमने, किसको याद है? आम वाला हमने पापड़ बेले, तो वो था हमारा मैंगोज राउंड द ईयर। तो मैंगोज के रिलेटेड जो भी था वो हमने फोर्थ में पढ़ा। अभी हम फिफ्थ में पढ़ेंगे, कौन सी बात है कि सीड्स एंड सीड्स। वाव वंडरफुल, देखो सीड्स की बात आई यानी मुर्गियाँ आती है दिमाग में, राइट? क्योंकि आप उनको कुछ खाना देना चाहते हो तो बिस्किट्स तो दोगे नहीं, तो बच्चों आप उनको क्या दोगे? आप उनको सीड्स दोगे, फिर वो कोई भी हो सीड्स, राइट? तो देखते हैं कौन से सीड्स हम दे सकते हैं मुर्गियों को ताकि वो बेचारी खा सके, नहीं तो वो भूख से मर जाएंगे, है ना? और हम तो बहुत दयालु हैं, हमको तो सबको दे के खाना है। तो चलिए देखते हैं। गोपाल वॉज सिटिंग ईगली फॉर हिज मासीज फैमिली टू विजिट हिम। देखिए गोपाल जो यहाँ पे है बच्चा, वो अपनी मासी का वेट कर रहा था ताकि मासी आए और वो सब लोग मिलकर भोजन करें। They will be coming the next day for their holidays. Wow, holidays पे आएंगे, यानी तो धमाल होगा बच्चों का, कोई सुनने वाला नहीं है मम्मा का, और सब धमाल करेंगे और अच्छे बच्चे मम्मी को हेल्प करेंगे, लेकिन धमाल तो पहले करनी है, मस्ती तो पहले करनी है। देखते गोपाल क्या करेंगे। He was thinking about all the fun and nice food that he could have with his cousins. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड अप। मतलब गोपाल तो यही सोच सोच के अधमरे हो रहे थे कि मैं क्या करूँगा, मैं कितना अच्छे से खेलूँगा, मेरे सब कजन्स आएंगे, मम्मा कौन सी डिशेस बनाएंगी, राइट? तो ये सब सुन के मम्मा जो गोपाल है वो प्रसन्न हो रहे थे, है ना, कि कब मेरी मम्मी डाई हार्ड मेरा, मैं उनके फैन हूँ खाने का, और मेरी मम्मी मुझे बेस्ट ऑफ द बना के खिलाए। दैट ही वुड हैव विथ हिज कजन्स। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक सम बाउल्स ऑफ कटोरीज ऑफ चना दाल ग्राम। ठीक है, शी वॉज गोइंग टू बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। एज ही वॉज सोकिंग द चना दाल, गोपाल थॉट हाउ विल टू स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन्स। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना, है ना। देन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट डे। अभी आपने को प्रपोर्शन नहीं पता होता ना, इसीलिए हम मम्मी जैसा बढ़िया खाना, हम छोटे हैं इसीलिए हम बना नहीं पाते, तो मम्मा ने बोला होगा कि एक मुट्ठी डालना, दो मुट्ठी डालना, इन्होंने तो कटोरे भर भर के डाले। देखे अभी आगे सीन क्या होता है, है ना, ये देखो, अब देख रहे हो इन्होंने क्या बनाया है, 2 बाउल्स ऑफ चना। देन मम्मी रिटर्न, वो रिटर्न हो गए और शी सॉ चना वर ओवरफ्लोइंग आउट ऑफ द वेसल। हाउ मच डिड यू सोक, आस्क्ड हिज मदर, हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। यू सोक टू मच, एनी वे इट इज़ गुड, नाउ इट विल कुक हाफ ऑफ देम एंड दी लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। तो मम्मा तो काफ़ी अच्छी थी, देखो आपके मेरे मम्मा जैसी नहीं थी, नहीं तो अभी धुलाई हो जाती बिन साबू की, है ना। मम्मा तो बड़े अच्छे हैं, देखिए उन्होंने क्या किया, तो बोला कोई बात नहीं गोपाल, एक कटोरी हम बना देंगे, दूसरी कटोरी हम बांध के रखेंगे जिससे स्प्राउट होगा, मतलब उनको मूछे उगेंगी, है ना, जैसे अपने दाल है, जैसे ये हमारा सीड है, राइट? तो आपको ये सीड से ऐसी ऐसी मूछे उगेगी, है ना, पल्सेस जिसे बोलते हैं, तो वो आप कच्चे भी खा सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो द
सोक टू मच? तो बोले हाँ हम बाद में बनाएंगे, और एक दूसरे वो दूसरा वर्ड क्या यूज़ किया उन्होंने, स्प्राउट करने के लिए रखेंगे. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, दीज देयर डॉक्टर हैड टोल्ड देम टू ईट स्प्राउट. हाँ वेरी गुड. देखो मैंने अभी बताया आपको, डॉक्टर भी रिकमेंड करते कि आप कच्चे खाओ आपको प्रोटीन मिलेगी, तो वो आधे फेंकेंगे नहीं बट उनके मम्मा को देंगे, उनके आंट को देंगे. ठीक है. मदर सेड शी ट्राइड हाफ ऑफ द सोप चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम आउट टू द स्प्राउट. तो उन्होंने क्या किया, लेकर उन्होंने बांध कर, उन्होंने बांध कर क्या किया बच्चों, स्प्राउट को क्लॉथ में बांध दिया. डिस्कस व्हाट थिंग्स आर सोक बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई. सोक आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो दूध फट गया तो आप सोक कर दिया, पनीर बन गया, तो वो भी आप लिख सकते हो बच्चों. आप मम्मा को पूछ सकते हो कि क्या आप सोक करते हो फिर बनाते हो, तो मग मुठ दाल होती है वो सब भी आप कर सकते हो. What things do you eat after sprouting and how are they sprouted and how much time? तो रात को अगर आप करो तो सुबह तक तो sprout हो जाते हैं, depending on the climate, है ना. जैसे मूंग है तो वो भी आप मस्त मिसल हो जाता है, फिर मिसल पाव भी बन जाता है. तो जैसे आपको बनाना है ऐसे आप बना सकते हो. Has a doctor or someone know ever told you to eat sprouted? Why? हाँ डॉक्टर्स बोले ना बोले बट हम बोलते हैं दूसरे को. अगर आपको डॉक्टर्स ने बोला है तो आप इस तरह से लिख लो, आपको पता ही है पहले से, क्योंकि कुछ एजुकेटेड वीडियोस होते हैं वो भी बोलते हैं. हमारी बूढ़ी दादी अम्मा होती है वो भी बोलती है कि बच्चों आप ये खाओ, इससे आपको तंदुरुस्ती मिलेगी और आपका अच्छा हो जाएगा. डू दिस एंड फाइंड आउट. डू यू रिमेंबर इन क्लास 4 यू हैव एन एक्टिविटी ऑफ सीड्स. देखिए मैंने अभी बोला था ना, चने में से ये मूछें निकलती है ना, मतलब ये पक चुका है, ये पक चुका है, देखो ये पक चुका है, इसको आपने स्प्राउट किया. टेक सम चनास फ्रॉम 3 बाउल्स, है ना, पुट देम फाइन इन द फर्स्ट बाउल एंड देन फिल इट अप विद वाटर. तो पानी में आपको सोक करना है, या आपकी मम्मा की हेल्प से भी आप कर पाओगे, है ना. पुट अ डैम पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन बाउल और वूल में उसको आप सेकेंड बाउल तक रख सकते हो, उसके ऊपर ढक के. एंड कीप द सेम नंबर ऑफ चनाज इन इट, देन मेक द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट. ठीक है. पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बाउल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, कवर ऑल द 3 बाउल्स. ठीक है. तो उन्होंने आपको ये बताया है कि चना जो है ना, एक को आपको ढक के रखने का है कॉटन के और वूल के कपड़े से, तो आपको जब आप हटाओगे तो वो एकदम वेट होंगे, नम हो चुके होंगे और इजी होंगे बॉईल करने को, फिर बॉईल करके आप उसको अच्छे से पका सकते हो. तो आप थर्ड बाउल में भी उसको निकाल के बाउल में रख सकते हो. तो यहाँ पे 3 बाउल्स आपको लेने हैं और थोड़ा थोड़ा मात्रा में चनास आपको भिगोने हैं पानी में. फिर आप पहले चने में देखना कि वो क्लॉथ में कैसे सेकंड में नम हो चुके हैं, और फिर बाद में थर्ड में उन्होंने कवर किए हैं तीनों बाउल्स में. तो ये आपने तीनों का एक्सपेरिमेंट देखना है. ऑब्जर्व आफ्टर 2 डेज एंड नॉट नोट द चेंजेस इन द बाउल. आर द सीड्स गेटिंग ड्राई और एयर? नो, फर्स्ट में बाउल में नहीं मिलता है, सेकेंड में येस, क्योंकि उसको आपने कवर नहीं किया है ना, एक डैम क्लॉथ के साथ किया है, तो उसको पतली सी धार में वुडन जो कॉटन वूल का कपड़ा है वो सेकेंड में आपने डाला है, तो कॉटन से और वो वूल से हवा थोड़ी आसपास जा सकती है.
थर्ड में आपने क्या किया, तो तीनों को ऑब्जर्व करना है, आर द सीड गेटिंग वाटर, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, वॉट चेंजेस डू यू सी, इसमें क्या देखे हैं आपने चेंजेस, वो अपने आप आपको मार्क करने की, मैम इनको अभी छोटे छोटे मूछें आ रही है, तो ये आपको अपने तरफ से बच्चों फिल करना है, और टेल अस कि बाउल में सीड कब बड़े हुए, आपका ऑब्जर्वेशन सब कुछ लिखना है कि मैम फर्स्ट डे पे ऐसा रहा बाउल, फिर दूसरे बाउल्स में ऐसा रहा, फिर गोपाल की मम्मा जो थी चने में उन्होंने डैम्प किया कि नहीं कपड़ा, वाई किया उन्होंने ऐसे, क्यों किया, तो उससे क्या होता है, और स्प्राउटेड सीड्स में भी वेरी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमिडिटी, मैंने बोला आपको अगर रेनी सीजन है तो फिर उस तरह से पकेंगे हमारे सीड्स, और अगर बारिश का सीजन है, रेनी सीजन है, फिर या विंटर है, तो उस तरह से आपके सीड्स पकेंगे, तो ये सब ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, जब आप आओगे स्कूल में तब सब चेक होगा बाकायदा, तो लिख के जाना। अभी मिलते हैं पेज नंबर, इससे हमारा 42 और 43 ख़त्म हो गया है बच्चों, अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि 44 पेज पे हमें क्या दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।